आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। बात करेंगे हम आज बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नवी मुंबई के एक कारघर में रविवार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में लू लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 120 लोगों की तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता के लिए कारघर के टाटा अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र के सीएमओ ने रविवार देर रात एक बयान में कहा कि नवी मुंबई के कारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राकांपा नेता अजीत पवार ने एजीएम का कमोठे अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों की मुलाकात की। घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात करने गए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग भर्ती हैं उनके लिए उचित इलाज भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। हम पीड़ितों और मृतकों के परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर अस्पताल में उद्धव ठाकरे उन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि लू लगने से कई लोग बीमार पड़े हैं और 11 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर तुरंत जातिगणना जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जनगणना जाति आधारित हो, इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में 2021 की जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार पहले ही जाति आधारित जनगणना का ऐलान कर चुके हैं। इसको दो फेज में करने की घोषणा की गई है। पहला फेज कंप्लीट भी हो चुका है। दूसरे फेज की जनगणना 15 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए जातियों के कोड भी जारी कर दिए गए हैं। हर जाति को अलग अलग कोड दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है, जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। देखिए, कांग्रेस में भी जाति जनगणना की मांग अब तेज हो गई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हक मिले। साथ ही आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पत्र के बाद जाति जनगणना की जहां मांग की जा रही है, तो वहीं उनकी तरफ से एक पीएम मोदी को जाति जनगणना की चुनौती दी है कि इसे आप लागू करें और बिहार में लागू हो रहा है, इसके लिए जातियों का कोड भी दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात करें तो जाति जनगणना प्रमुखता से समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल उठाते हुए नजर आए हैं। वहीं आपको बताएं कि पीएम मोदी के पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है कि यूपीए की जब पहली बार सरकार बनी, यानी कि 2011 में जब सरकार बनी, तो 25 करोड़ लोगों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की थी और इस कारणों से डेटा प्राप्त नहीं हो सका था। और बात करें तो 2014 में उनकी पत्र में लिखा गया है कि 2014 से आपकी सरकार है, सत्ता में आने के बाद आप लगातार हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मगर जिनका जितना हक हो उतना, उनकी संख्या हो उतना उन्हें हक मिले, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रम बहुत आवश्यक है समाज में। साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ क्षेत्रीय दलों की तरफ से लगातार जाति जनगणना की मांग उठाई जा रही थी, अब उसमें कांग्रेस की एंट्री हो गई है,
और यूपीए सरकार की जो तमाम जाति जनगणना को लेकर जो जाति जनगणना कराई गई, तमाम उनकी तरफ से कावे किए गए थे, उसको दलील लेते हुए प्रधानमंत्री से एक बार फिर जाति जनगणना की राष्ट्रीय स्तर पर मांग की जा रही है। आपको बताएं कि राहुल गांधी को अगर देखें तो कोलार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री को जाति को लेकर एक बात कही थी, साथ ही मोदी जाति को लेकर एक जनगणना जारी करने की चुनौती जारी की थी। उसमें मांग की थी 50% सीमा हटाए जाए आरक्षण में, और 2019 की इस रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी भी हुई जिसके मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई और साथ ही उनका बंगला भी वापस लिया गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार से जाति जनगणना की राष्ट्रीय स्तर पर कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना को रफ्तार मिलने के बाद अब देश भर में जाति जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से तमाम विपक्षी दल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी विभांशु, क्या लगता है विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है सरकार उस पर पहल करेगी? जी अब ये बात देखने वाली होगी कि जहां एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से लगातार जाति जनगणना की मांग को लेकर बातें कही जा रही हैं, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन से लेकर और तमाम जगहों पर जाति जनगणना की मांग को उठाते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो जाति जनगणना का मुद्दा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। अब लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना को लेकर अपने पत्ते खोलते हुए नजर आ रही है, तो देखने वाली बात ये होगी क्या लोकसभा चुनाव में ये एक सियासी मुद्दा बनता है। और देखने वाली बात ये भी होगी नंदनी कि कैसे क्या प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उनका आगे का रुख होगा, वो आने वाले समय में साफ होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी में एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने इस मामले में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। साथ ही याचिका में साल 2017 से अब तक यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की भी जांच की मांग की है। साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्याकांड या फर्जी मुठभेड़ के बहाने हत्या की वारदात कानून के शासन का उल्लंघन है। ये अराजकता लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए इसकी सही से जांच होनी चाहिए। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी शहर पश्चिमी में चौकसी बढ़ाई गई है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा कई इलाकों में दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। वहीं कई इलाकों में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ को रविवार को देर शाम प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे प्रयागराज से। पवन, क्या कुछ अभी तक स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है प्रयागराज में, किस तरीके से वहां पर जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद है, क्या अभी भी सुरक्षा उसी तरह से बढ़ी हुई है? जी बिल्कुल नंदनी, बीते कल से जब अतीक और अशरफ के हत्या के बाद से बीते कल से ही पूरे प्रयागराज में कर्फ्यू जैसा माहौल है। अगर तस्वीरों की बात करें तो कोरोना में लॉकडाउन के दौरान वो तस्वीरें प्रयागराज में देखने को मिली थी जब सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था और दुकानें बंद थी, इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, और वही तस्वीरें बीते कल भी देखने को मिली है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर एहतियातन पूरे जिले में इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, और जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो आज रात्रि तक बाधित रहने की बातें सामने आई हैं। ऐसे में जो लोगों के पास स्मार्टफोन है वो डब्बा बने हुए हैं, शोपीस बने हुए हैं। हालांकि लोग खबरों के लिए या तो टीवी का माध्यम देख रहे हैं या तो अखबारों के माध्यम से लोग एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे हैं, इन खबरों के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे शहर में पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और पूरे उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में अतीक अहमद का मकान है उस क्षेत्र में तमाम अभी भी वो पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है। पुलिस पीएसी व आरएएफ के जवान अभी भी तैनात है। तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो दिख रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है। हालांकि जो सड़कों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार को लेकर प्रयागराज के जो बाजार है वो पूरी तरीके से गुलजार रहा करते थे, लेकिन बीते रविवार को अतीक अहमद की इस घटना के बाद से ये जो बाजार है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का दुकानें जो है वह कई स्थानों पर खुली हैं,
लेकिन लोगों के बीच में अभी भी कई तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस हत्याकांड को लेकर, अभी भी लोगों के जो दिलों में वो खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो तस्वीरें दिख रही है कि प्रयागराज का जो माहौल है वो अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि ऐसी किसी भी तरह की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है जहां पर किसी भी तरह की कोई बात हो या किसी भी तरह की कोई घटना, ऐसी अप्रिय घटना की खबरें नहीं सामने आई है। लेकिन जो लोगों के जेहन में शब्द है वो अभी भी कहीं न कहीं तमाम तरह के सवाल लेके खड़े हो रहे हैं। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव के लिए मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष पद और नगर पालिका परिषद पद के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने लखनऊ से सुषमा खरकवाल और मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। वहीं गोरखपुर से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, प्रयागराज से उमेश चंद्र, गणेश केशरवानी और वाराणसी से अशोक तिवारी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच नगर पंचायत रुपई डीहा से डॉक्टर उमाशंकर वैश को उम्मीदवार बनाया गया और नगर पंचायत कैसरगंज से विजय पुष्पम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही बता दें कि लखनऊ नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी के लिए अतीक अहमद के करीबी को मिला टिकट है। श्रावस्ती नगर पालिका भिंगा से राकेश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। नगरीय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 100 नगर पालिका परिषद में भाजपा ने 99 नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी ने 43 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामपुर सहित प्रदेश की 3 नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ता निराश भी नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी निकाय चुनाव के लिए मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के उम्मीदवार का ऐलान किया है। जहां आप ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की है, वहीं इस लिस्ट में 3 महापौर, 67 पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा 13 नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। मुरादाबाद से चंदन भट्ट आपके महापौर प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगरा से सुनीता दिवाकर मेयर प्रत्याशी, जबकि सहारनपुर से सहदेव सिंह आपके मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपना रफ्तार पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से कुल 9,111 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,000 के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 6,313 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड रिकवरी जो है 98.68% है, यानी कोविड संक्रमित लोगों में से ज्यादातर जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को मिले 1,634 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से 18 जिलों से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 135 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वाराणसी में G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की आज से 19 अप्रैल तक बैठक होगी, जहां इस बैठक में दुनिया के 20 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि और अन्य भागीदार देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं G20 सम्मेलन का मंत्री वीके सिंह ने उद्घाटन किया है। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक कृषि के विकास का नया रोडमैप तैयार होगा। इसके अलावा सम्मेलन में कृषि शिक्षा अनुसंधान मुद्दों पर मंथन होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 3 दिवसीय आयोजन में पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ये बैठक विचार विमर्श और ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान और G20 देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगी। आजम खां की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि आजम खां की हालत फिलहाल स्थिर है और उनकी निगरानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आजम खां को रात 3 बजे सर गंगाराम अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती करवाया गया। आजम के साथ उनके परिजन भी वहां पर मौजूद रहे। परिवार वालों का कहना है कि कल शाम रोजा इफ्तार के बाद आजम की तबियत बिगड़ी थी।
अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी, यानी कि 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, जहां सरकार ने शुक्रवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए सरकार सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है। प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि पहला जत्था 30 जून को जम्मू से रवाना किया जाएगा। यात्रा इस बार 31 अगस्त तक चलेगी। 62 दिनों की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार मजबूत करने में जुटी है। 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।